देश की राजनीति संक्रमण काल से गुजर रही है। ऐसा खतरनाक समय कभी देश में नहीं आया था। अभी आपने देखा होगा कर्नाटक की जीत नफरत के खिलाफ, जो सामाजिक और भाईचारा है, सामाजिक सद्भाव है, उसकी जीत हुई है। क्योंकि लोग हिंदुस्तान धर्म निरपेक्षता में विश्वास करती है, और ख़ास करके जो लोकतंत्र है, धर्म निरपेक्ष, यहाँ की मिट्टी में धर्म निरपेक्षता है। इसीलिए जो जीत हुई है वो जन आदेश है जनता का कि कभी भी देश, इस देश में एकाधिकारवाद नहीं चलेगा। ये संकेत है, संदेश है। आप देखें दक्षिण में पूरी तरह भी भाजपा की हार हुई अभी कर्नाटक में, ये बिल्कुल नफरत की राजनीति की हार है। अभी आप देख रहे होंगे पूरे देश में जो नागरिक आज़ादी है, सिविल लिबर्टी, और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो चिंता का विषय देश में हुआ है। ऐसा कभी देश में इतने वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि संविधान को क्वेश्चन मार्क कर दिया जाए। संविधान में आज संपूर्ण रूप से जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, सभी संस्थाओं की ऑटोनॉमी, स्वायत्ता को समाप्त कर दिया गया है। और उसमें अब जब लोकतांत्रिक संस्थाओं का स्वायत्ता खत्म हो जाएगा तो देश को एक तरह से तानाशाही और माने गुलामी की ओर धकेला जा रहा है, जबकि ये देश इजाज़त नहीं देता है। ये तो कर्नाटक से संदेश मिल गया है। अभी आप देख रहे होंगे चारों तरफ लोगों को धर्म के नाम पर, धर्म तो आस्था की बात है, हम लोग सब धर्म संभाव वाले लोग हैं, हम लोग वसुधैव कुटुंबम वाले हैं, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो यही है, वसुधैव कुटुंबम और सर्व धर्म संभाव। हम सभी धर्मों की एकता कर रहे हैं। केवल हम लोग का जो अभियान चल रहा है महागठबंधन का, वो केवल विपक्षी एकता नहीं है, पूरे देश भर में सभी धर्मों का सम्मान और देश की एकता का ये लड़ाई है। आप देखे हैं भारत जोड़ो पर कांग्रेस ने जो किया, उसका रिजल्ट देख रहे हैं। भारत में भाईचारा है, धर्म निरपेक्षता है, हमारा देश लोकतांत्रिक है, हमारे देश में जो संविधान है उस संविधान से देश चलेगा, देश बाबा लोगों से नहीं चलेगा। आजकल बाबा को ला के देश की बात कहा जाता है, राष्ट्र की बात किया गया। एक बाबा आए थे पटना में, वो राष्ट्र कैसा होगा माने गैर संविधानिक वक्तव्य दे रहे हैं संविधान के खिलाफ। हमारे पूर्वजों ने जो संविधान बनाया है, अभी आप देखे होंगे केंद्रीय मंत्री ने किस तरह की बात किया कि हमारे पूर्वजों का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश में जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, वो बोल रहे हैं कि उसी समय गलती हो गई, मतलब हमारे पूर्वज का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, देश के संविधान का तो सम्मान नहीं कर रहे हैं, न लोकतंत्र को मानते हैं, बल्कि एकाधिकार अधिनायकवाद वादी तंत्र चलाना चाहते हैं। इस देश में कभी संभव नहीं है, इस देश की मिट्टी में ये संभव नहीं है। लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आपको आप देखिए किस तरह से जो मव लिंचिंग चला है, डरा करके देश चलेगा? डॉक्टर लोहिया ने कहा था, घर में भाई को डरा के मत रखो, डर घर को तबाह कर देते। इतना ही नहीं, डॉक्टर रामनोर लोहिया ने तो यह भी कहा था कि सत्ता पक्ष के द्वारा रत्ती भर सांप्रदायिकता विपक्ष के क्विंटल भर सांप्रदायिकता से ज़्यादा खतरनाक है। मतलब सत्ता पक्ष को मॉब लिंचिंग को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, नहीं तो पूरे देश में एक बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति पैदा होगी, क्योंकि भाई भाई में नफरत होगा, देश को तोड़ने की बात होने लगेगी। हम देश की इकट्ठा करने के लिए, खास करके देश भर की एकता, ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये केवल विपक्षी एकता नहीं है, ये देश को जोड़ने की एकता है, देश के सभी धर्मों की एकता है, देश में भाईचारा रखने वाले, लोकतंत्र में भरोसा करने वाले, संविधान में विश्वास करने वाले, सबको जोड़ने का प्रयास, केवल विपक्षी एकता का हमारा हम लोगों का नहीं है। कर्नाटक की जीत को क्या आप सत्ता के सेमीफाइनल मान रहे हैं? साबित कर दिया कि दक्षिण में सफाया हो गया इनका, अब उत्तर की बारी है। अब देख लीजिए उत्तर में क्या होता है, उत्तर में काफ़ी जागरूक लोग हैं, उत्तर भारत के, मतलब मेरा कहने का, जब दक्षिण भारत में सफाया हो गए तो उत्तर भारत में कहाँ बचेंगे? यहाँ तो ज़्यादा जागृति है और ज़्यादा लोग जागरूक हैं यहाँ।
इसीलिए यहाँ भी सफाया होना तय है, जो भी प्रयोगी कर लें। ये राष्ट्रवाद का नारा देते हैं। 52 बरस तक नागपुर जो हेडक्वार्टर था इनका आरएसएस का, जहाँ से एजेंडा ये लेते हैं, 52 बरस तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया नागपुर मुख्यालय में, जो आरएसएस का मुख्यालय है। और सबसे ज़्यादा आजकल राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इनका राष्ट्रवाद नहीं है, ये उन्मादी राष्ट्रवाद है, ये खोखला राष्ट्रवाद है। जब राष्ट्र की लड़ाई होती थी, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी, तो ये कहाँ थे आरएसएस के लोग? नाथूराम गोडसे को गोली किस नाथूराम गोडसे ने गोली किसको मारा था? हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 47 में आज़ादी मिली और एक साल के अंदर 48 में हमारे पूज्य बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सीने में गोली लग जाती। ऐसा दुनिया में कोई मुल्क नहीं होगा कि एक साल के अंदर अंदर अपने राष्ट्रपिता को गोली मारकर हत्या कर दिया हो। वो कौन लोग हैं गोली चलाने वाले? नाथूराम गोडसे की कल्चर, संस्कृति, और ये इतने चल सकता है इस देश में। देश का जो माहौल है 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? देश 2024 में तो मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह का कर्नाटक में सुफरा साफ हुआ है, उसी तरह की स्थिति होगी उत्तर भारत में। सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सोच रहे हैं, 9 वर्षों में इन्होंने जो वादा किया है, एक भी वादा पूरा नहीं किया। ध्यान भटका रहे जनता का, महंगाई, बेरोजगारी, आप देख रहे हैं पूंजीवाद को कितना बल दे रहा है, महंगाई बेरोजगारी से, किसानों की समस्या से और मजदूरों की समस्याओं से उनको कुछ लेना देना नहीं है। जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है, ये ध्यान भटकाने वाले लोग हैं। जनता को मूल मुद्दा से, बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाकर नहीं जीता जा सकता है। इसलिए 2024 में ध्यान भटकाने वालों को करारी हार मिलेगी। अच्छा, विपक्षी एकजुटता की, ये देश की एकता है, देश के संविधान में विश्वास करने वालों को एकत्र किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्षता में, लोकतंत्र में, भाईचारा में, सामाजिक सद्भावना में जिनका भरोसा है, उन सभी लोगों को जोड़ा जा रहा है। वो सारे तो चेहरा क्या होगा ये तो हम लोग बाद में तय करेंगे, अभी तो पहले हम लोग एकजुट होकर इनको फतह कर दें। भाजपा को जो फिरका परस्त ताकत है उसको हम लोग पहले सफाया करें। अच्छा, क्या लगता है कि आने वाले 2024 में एनडीए से भी कुछ घटक को तोड़कर आप अपने साथ लाएंगे? आप एक बात समझ लीजिए, जो आप चेहरा की बात करते हैं, ये अमेरिका नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यहाँ तो एमपी चुनेगा प्रधानमंत्री, मेंबर पार्लियामेंट चुने जाएंगे। अमेरिकन पैटर्न हिंदुस्तान में नहीं चलता, यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बीते 2 सत्र में तो यही हुआ सर, चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया और चेहरे पर ही सरकार। चेहरे पर नहीं, वो पुलवामा नहीं होता तो दूसरी चेहरा खराब हो गया था उसी समय। अभी राज्यपाल महोदय सतपाल मलिक ने सारा रहस्य उद्घाटन कर दिया कि क्या हुआ था, 40 जवान की को किस तरह से शहीद बनाया गया। ये सरकार की गलती थी, केंद्र की सरकार की, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने इस रहस्य उद्घाटन किया है कि कहा चुप रहो, अभी बोलो मत, इसी को भावना, ये तो भावना के सौदागर है ना। जैसे अभी हिंदुत्व का नारा, राष्ट्रवाद का नारा देते हैं, भावना के सौदागर सौदागरी करते हैं भावनाओं का। अब जवान चला गया, शहीद हो गया, उनकी भावनाओं के, उनके लाश पर उन्हें इसमें सरकार बना ली, चेहरा पर नहीं बनाए। भावनाओं के सौदागर है तो भावना को उभार कर और तब ये सरकार आ जाते हैं। और 2014 में 2 करोड़ रोजगार देने की बात, काला धन समाप्त करने की बात, हर आदमी को खाते में 15 लाख देने की बात कहा जुमलेबाजी था। ये जुमलेबाज लोग हैं, इनका इस बार असली इलाज कर्नाटक में शुरू हुआ है, अब यही शुरू रहेगा क्रम। इसलिए चेहरा पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग एक विपक्षी एकजुटता के लिए जब निकले हैं तो क्या एनडीए के कुछ घटक दलों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे आप? आगे देखिए होता है क्या, परिस्थिति इतनी आपको सामने आ जाएगा सारा चित्र। हम किसी को तोड़ते नहीं हैं, कोई टूट के आ जाएगा तो इसमें तो जब धर्मनिरपेक्षता में भरोसा। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।
थैंक यू।